हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वर्टर टेक में। आज हम रिपेयर करेंगे इंडक्शन कुक टॉप को। ये जो आप इंडक्शन कुक टॉप देख रहे हैं सूर्या का, इसको आज हम रिपेयर करेंगे। ये बर्तन को हीट नहीं कर रहा है और इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है, हम इस प्लग को बोर्ड में लगा कर टेस्ट करेंगे। और आप डिस्प्ले पर देखेंगे, डिस्प्ले आ गया है। फिर उसके बाद हम बर्तन को इस पर रखेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है, यानी कि डिस्प्ले पे क्या आ रहा है। तो हम ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करेंगे। जैसे ही मैं ऑन ऑफ स्विच को प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं E0 शो कर रहा है, यानी ये एरर कोड है। जब इस कंपनी के इंडक्शन में बर्तन हीट नहीं होगा तो E0 शो करेगा। ये E0 शो कर रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ फॉल्ट है। चलिए हम इस इंडक्शन कुक टॉप को ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। मैं फटाफट स्क्रू को खोल करके ओपन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इंडक्शन खुल गया है। उसके बाद फिर हम ये कॉइल को ओपन करेंगे। अब हम डिस्प्ले का वायर निकाल कर PCB से बाहर कर लेंगे। हमारा डिस्प्ले ओपन हो गया, मैं इसको साइड में रख ले रहा हूँ। उसके बाद हम फैन का जैक निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इंडक्शन की PCB में जो कॉइल का वायर लगा हुआ रहता है वो जल गया है, जल करके अलग हो गया है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल जल गया है। हो सकता है ये लूज़ कॉन्टेक्ट की वजह से जला हो। आप देख सकते हैं मैं इसको PCB को काट करके जो जला हुआ था उसको अलग करके फिर इसके बाद कॉपर वायर से सोल्डर कर लिया हूँ, ताकि फिर इसमें जलने की कोई संभावना न रहे। जो जल करके कार्बन बन गया था, जो आप कॉइल देख रही है एल्युमिनियम का, शायद इसकी वजह से जला हुआ है। अगर ये कॉपर होता तो शायद जलने की संभावना न होती। अब हम PCB को फिट करके फिर उसके बाद इंडक्शन को चेक करेंगे। यानी इस कंपनी के इंडक्शन कुकटॉप में अगर ये ज़ीरो शो कर रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि बर्तन हीट नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसमें फॉल्ट है। और वो फॉल्ट कॉइल का हो सकता है, या IGBT स्विचिंग नहीं करेगी, या जो कॉइल का रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है वो ओपन हो गया या शॉर्ट हो गया है, तो E0 शो करेगा। मैं कॉइल को फिट करके अब हम इसको प्लग में लगाकर टेस्ट करेंगे। डिस्प्ले आ गया है। अब हम इस प्लेट को रखेंगे। मैंने प्लेट को रख दिया है। अब मैं इस इंडक्शन कुकटॉप का जो 3-पिन टॉप होता है उसको बोर्ड में लगाकर टेस्ट करूंगा। और आप देख रहे हैं डिस्प्ले आ गया है। मैं स्विच को प्रेस करूंगा और अब E0 शो नहीं कर रहा है, यानी अब बर्तन जो है हीट हो रहा है। टेम्परेचर प्लस माइनस, यानी टेम्परेचर जो है बिल्कुल सही अब शो कर रहा है। और आप देख रहे हैं जो प्लेट में पानी रखा हुआ है वो हीट हो रहा है। यानी कि अगर इस इंडक्शन कुकटॉप में E0 शो कर रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि कॉइल का फॉल्ट हो सकता है या इसका वायर कटा हुआ हो सकता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।